ये बिल्डिंग पुराने ज़माने की है, ये बिल्डिंग पुराने ज़माने की है, अंग्रेज़ों के ज़मानों की है, हमें कुछ पता नहीं है। आई एम सॉरी अंकल, आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है? डिजाइन तो बहुत अच्छा है, पता नहीं किस आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। हेनरी सैंड क्लर्क विल्किंस। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है सर हेनरी सैंड क्लर्क विल्किंस ने। क्या आप यही रहते हैं? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बस अक्सर आ जाता हूँ, जैसे कि आज तुम आए हो। इस बिल्डिंग का नाम फ्रेयर हॉल क्यों है? इस बिल्डिंग का नाम सर हेनरी बर्टिल एडवर्ड फ्रेयर के नाम पर रखा गया था। आओ तुम्हें ये बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये कदीम तरीन और खूबसूरत इमारत 1865 में बनाई गई। इसकी तामीर शुरू हुई गालिबन 1863 में और 1865 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। और ये इमारत 144 फुट लंबी है। इस बिल्डिंग के अंदर कौन रहता है? इंसान की सबसे अच्छी दोस्त किताबें। किताबें? इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाइब्रेरी है जहां पर 70,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। आओ मैं तुम्हें एक और जगह दिखाता हूं। अंदर जो आर्ट गैलरी है वो एक वर्ल्ड वाइड फेमस आर्टिस्ट सातकैन के नाम पे है, जो कि हमारे मुल्क के एक मशहूर आर्टिस्ट है। सातकैन ने 1986 में फ्रेयर हॉल की बालाई मंजिल की छत को अपनी मुसव्वरी से मुजयन करने का आगाज किया था। ये छत मुकम्मल तौर पर सातकैन के फनफारों से सजी हुई है। अच्छा अंकल, थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपकी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।